देखिए, कल माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है या जो जजमेंट दी है, शराब घोटाले के एक एक तार उन्होंने जोड़ते हुए दिखाए हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते नई पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में यह प्रावधान किया कि कैसे उसमें कमाई की जाए, कैसे दिल्ली की जनता को लूटा जाए, कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे भ्रष्टाचार किया, ये सब अरविंद केजरीवाल की सहमति से हुआ, साजिश से हुआ है। और इतना स्पष्ट निर्णय आने के बाद अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली की जनता से माफी मांगते और तुरंत इस्तीफा देते। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनका अधिकार है जाना, लेकिन जिस तरह से कल माननीय हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई मॉरल ग्राउंड इनके पास रहती है कि ये दिल्ली की जनता को फेस कर सके। हाई कोर्ट ने कल कहा कि पर्याप्त सबूत है, उन्हीं के आधार पर ये याचिका खारिज की। मैंने कहा ना कि कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है, उन्होंने सारे साक्ष्यों का जिक्र किया है, उन्होंने ये भी कहा कि जो अप्रूवर है उनका बयान भी कोर्ट के सामने हुआ है और उनपे उंगली उठाना कोर्ट पे उंगली उठाना है। लेकिन महंगे महंगे वकीलों पे करोड़ों रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल एक माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। सच्चाई यह है कि अरविंद केजरीवाल, आपने शराब घोटाले में चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है और आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से दोषी है। जी, मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा हम सबको स्वीकार होगा, लेकिन कल की टिप्पणी के बाद नैतिकता जो आम आदमी पार्टी में शून्य है, इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये थोड़ी सी भी इनको शर्मिंदगी होगी। ये जाना चाहते हैं, जाए, इनका अधिकार है, लेकिन अंततः सच यही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। जी, वहीं भी ये कहना है कांग्रेस के विधायक है प्रताप सिंह बाजवा, वो ये कह रहे हैं भारत में लोगों को अदालतों पर भरोसा है, अदालत ने कुछ कहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, सीबीआई आईटी और एजेंसियों से डरना नहीं चाहिए। एक्साइज को लेकर पंजाब में भी यही किया गया है। पूरे देश में कानून का शासन है और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत है। और अगर कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं तो ये देश की जनता भी इस बात को जानती है कि अंततः आम आदमी हो या कोई खास हो, जब भी कोई परेशानी में होता है तो वो न्यायालय में जाकर उसको शरण लेनी पड़ती है, वहां से न्याय मिलता है। और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी दिल्ली की जनता को न्याय मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन अरविंद केजरीवाल। हाँ, पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन, ये तो मतलब करप्शन के किंग है। केजरीवाल इज अ किंग ऑफ करप्शन, जैसे कल कहा कि ट्रिपल के, तो ये ट्रिपल के है केजरीवाल, किंग ऑफ करप्शन, तो ये तो सुल्तान है भ्रष्टाचार के। और मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता से जितनी जल्दी इनको मुक्ति मिले अच्छा है। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।